नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बड़ा अमेजिंग दोस्तों कॉन्सेप्ट है आज का। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों बेसिकली ट्रेडिंग के लिए है। अगर आप इंटरडे करना चाहते हैं तो इंटरडे इसके ऊपर बहुत कमाल का काम करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं वो बड़ा कमाल का काम करेगा। तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और चार्ट पे डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा बिना चार्ट के। आप देखेंगे चार्ट के साथ तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या टिप्स है, किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है और कैसे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। दोस्तों चार्ट ओपन हो गया है, हमारा पीएनबी का चार्ट है और इस टेक्निक में देखेंगे कि आपको किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है, एक अच्छा इंटरडे और एक अच्छा शॉर्ट टर्म का। तो चार्ट मैंने लिया है 10 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप चाहें, अगर आपको शॉर्ट टर्म में काम करना है तो आप 1 डे कैंडल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 10 मिनट का कैंडल यूज़ करके नॉर्मली हम इंट्राडे के ट्रेड्स देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जजमेंट किया जा सकता है, एक अच्छा ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, एक नॉइस फ्री ट्रेड कैसे लिया जा सकता है और एक ऐसा ट्रेड जो फटाफट से आपका टारगेट अचीव करा सके, राइट। तो दोस्तों एक टाइट रेंज हमें चाहिए होती है, एक टाइट रेंज जहाँ पर मार्केट आ रहा है और आकर वापस ऊपर जा रहा है, या जहाँ पर ऊपर जाके वापस मार्केट नीचे आ रहा है, एक इस तरीके की हमें रेंज की ज़रूरत होती है इस स्ट्रेटजी के अंदर। ये बेसिकली होता है कि मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है वो मार्केट के प्राइस एक्शन से हमें पता लग जाता है, और जब इस प्राइस एक्शन का हमें पता लगता है तो उसका हम बखूबी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक लाइन लेना चाहूँगा ताकि मैं क्लियर आपको बता पाऊँ। चलिए लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, राइट। तो दोस्तों बड़ा अमेजिंग है, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए, ये दोस्तों 3 दिन का डाटा है, अप्रोक्स 3 दिन जो मार्केट चला। तो आप देखिए 3 दिन मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पर लिया, राइट। ठीक अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो ठीक सपोर्ट यहाँ पर लेता है, एक अच्छा सपोर्ट मार्केट यहाँ ले रहा है। अगर आप डेली पिवोट पॉइंट की बात करेंगे तो पिवोट पॉइंट तो डेली चेंज हो रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर भी यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है। हम किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे, हम कोई इंडिकेटर नहीं देख रहे हैं, हम क्लियरली प्राइस एक्शन के हिसाब से हम एक सपोर्ट लेवल देख रहे हैं। फिर आप तीसरे दिन की बात, तीसरे दिन की एंड पे अगर आप सेकंड डे का एंड देखेंगे, फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। अप्रोक्स 3 दिन से मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या यहाँ तक मार्केट आता है और यहाँ से आकर के वापस पुल बैक लेकर के ऊपर चले जाते हैं, बाउंस बैक करके मार्केट वापस ऊपर चले जाता है। तो आपको प्राइस एक्शन से ही आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है या कहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों एक लाइन लगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर आकर के मार्केट रुकता है, वापस ऊपर जाता है, फिर रुकता है, वापस ऊपर जाता है, फिर रुकता है, वापस ऊपर जाता है। और कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंडल है इसने भी कुछ ना कुछ कोशिश करी है इसी तरीके की नीचे इसको तोड़ने की, लेकिन इसको तोड़ नहीं पा रहे, फिर वापस पुल बैक करके ऊपर चले जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो हमारा 6 मार्च वाला जो ट्रेड था, 6 मार्च में अगर आप देखेंगे तो मार्केट के एंडिंग टाइम पे अप्रोक्स 2:45 के आसपास, यानी 2:45 के आसपास जो टाइम हो रहा था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करके क्लोजिंग दी। इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी और ये कैंडल ने जब क्लोजिंग दी है तो मार्केट एक बखूबी रूप से फटाफट एक बहुत ही अच्छा ट्रेड आपका यहाँ बनता। तो ठीक आपको इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है इस टेक्निक पे। आपको एक टाइट रेंज देखनी है, आपको देखना है कि कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है और कहाँ मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। प्राइस एक्शन से ही पता लगेगा, कुछ पिछले दिनों का, 2 3 4 5 दिनों का या कुछ महीनों का डाटा भी इसमें हो सकता है, और उसके बेस पे आप एक अच्छा इंट्राडे का शॉर्ट टर्म का ट्रेड आप ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करेगा और मार्केट जितनी जल्दी आपका टारगेट हिट कराएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिट करा दे, ये बहुत तेज़ी से मार्केट को भगाएगा दोस्तों, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे मार्केट में कि कहाँ कहाँ पर हमें ऐसी टाइट रेंज मिलती है,
और उस टाइट रेंज का आप पूरी तरीके से बखूबी रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये वाला देखिए दोस्तों, बड़ा अमेजिंग दिख रहा है। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर देखिए 2 बार 3 बार यहाँ कोशिश करी है नीचे आने की, और मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा। और अगर हम इस कैंडल को भी देखें तो इस कैंडल ने भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जाकर के बायर्स ने ऊपर जाकर क्लोजिंग दिलवाई, और यहाँ पर जाकर मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आप जो टारगेट लगाते तो वो शायद अचीव ना होता, और आप शायद नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर आ जाते। लेकिन नेक्स्ट डे का अगर आप ट्रेड देखते तो नेक्स्ट डे आपको ज़रूर प्रॉफिट आप मिलता, और यहाँ पर अप्रोक्स 3% से 4% का डाउन ट्रेंड था। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ब्रेक करा और बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड दिया। तो नेक्स्ट डे का भी ट्रेड आप इस लाइन के बेस पे ले सकते हैं, और अमेजिंग आप अच्छा ट्रेड आप इस पे ले पाएंगे, राइट। और देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमें कुछ टाइट रेंज मिल रही है। ये देखिए, ये रेंज देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने ये हमारा 2/9 का ट्रेड है, यानी 2 तारीख 9 मंथ का है, और यहाँ पर देखिए मार्केट ने 2 बार इसको तोड़ने की कोशिश करी है लेकिन तोड़ नहीं पाया। लेकिन जैसे अगले दिन मार्केट ओपन होती है, ओपन होती मार्केट इसको ब्रेक करती है और क्लोजिंग ऊपर देती है। तो ये आपके लिए साइन है कि आपको एक अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। तो एक आप अच्छा ट्रेड बड़े इजीली ले सकते हैं। तो अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं तो इंट्राडे में एक दिन में भी आपको यहाँ पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, उस पर काम कर सकते हैं। प्लस अगर आप शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 महीना 1 हफ्ता इसका भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी एक टाइट रेंज आप देख सकते हैं। और देख लेते हैं कि और हमें किस किस तरीके से हमें इस टाइट रेंज मिल रही है। ये वाला देखिए, यहाँ पर देखिए एक टाइट रेंज मिल रही है दोस्तों, इंट्राडे में ही मिल रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने नीचे आया, यहाँ से एक अच्छा सा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ पर आके रुक गया। फिर वापस मार्केट ने एक पुल बैक दिया, और यहाँ पर मार्केट ने फिर कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आकर के, ये देखिए यहाँ पर आके मार्केट फिर कोशिश कर रहा है तोड़ने की, नहीं तोड़ पा रहा। फिर अगले दिन मार्केट जहाँ ओपन हुआ है उसने कोशिश करी लेकिन नहीं तोड़ पाया, और डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर देखिए अप्रोक्स 12 बजे के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी नीचे, और एक अच्छा सा डाउन मूवमेंट मिला। और कितने परसेंट का मिला देखिए, कम से कम 2% का डाउन मूवमेंट था ये, और ये आपको एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देता, राइट। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं फ़ायदा। और ये सिर्फ नीचे के लिए नहीं है, ये एक आप ट्रेंड के लिए भी काम आएगा, आप उसके लिए भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक टाइट रेंज मिल रही है हमें यहाँ पर। ये देखिए मार्केट कितनी बार तोड़ने की कोशिश करेगा, देखिए इसको, मार्केट ने पहली कोशिश ये करी तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया, सेकंड कोशिश ये करी नहीं तोड़ पाया, टेस्ट करके नीचे आ गया, और प्लस ये 2-3 कैंडल्स बिल्कुल इसके आसपास कोशिश कर रही है तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया। और अचानक से एक कैंडल ने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करके भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, और वहीं की वहीं चौपी रह गया। लेकिन अगला अगले दिन की बात करें, नेक्स्ट डे उसके अगले दिन मार्केट ने एक अच्छा अप मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, तो कितना प्रॉफिट आपको आता, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते थे। तो इस तरीके से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। और ये देखिए, हमने इन दो को देख के लगाया था, पीछे भी देखिए, पीछे भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कहाँ तक तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 पांच जगह से दोस्तों तोड़ने की कोशिश करी है, तब जाकर के मार्केट ने एक ऊपर का ट्रेंड दिया। तो टाइट रेंज बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से मार्केट ऊपर जाता है, और इस रेंज से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर मार्केट जाना चाहती है, किस चीज़ को तोड़ना चाहती है, वो आपको यहाँ ज़रूर पता लगता है। अगर हम एक दिन का टाइम फ्रेम ले लेंगे तो वो भी बड़ी हेल्प करेगा काम करने में। ज़रा मैं एक लाइन हटा दूँ, ये देखिए,
तो हर स्टॉक पे दोस्तों हर जगह ये काम करती है चीज़, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे काम कर रही है। ये वाला देखिए बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, टाइट रेंज देखिए यहाँ पर मिल रही है, ये देखिए अप्रोक्स कितना दिन हुआ ये यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और कुछ कुछ कैंडल, इस कैंडल ने भी कुछ तोड़ने की कोशिश करी, और यहाँ पर भी 3 से 4 बार दोस्तों ऐसा हुआ कि तोड़ने की कोशिश करी, मार्केट सक्सेस नहीं हो पा रहा तोड़ने में, एक हल्का सा पुल बैक ऊपर चले जाता है, फिर वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम फरवरी मंथ की बात करें तो फरवरी मंथ में इसको तोड़ा, और जैसे ही इसको तोड़ा मार्केट देखे किस वे में भागा। अब ये छोड़ दीजिए कि भाई कोई न्यूज़ थी न्यूज़ नहीं थी, वो सब दूर की बात है, हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो आप बिना न्यूज़ वाले स्टॉक में देख लीजिएगा, उसमें भी यही चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और देख लेते हैं, बहुत सारी ऐसी टाइट रेंज आपको मिल जाएगी जिससे आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, 2 बार मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी है, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं करा। देखिए कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार तोड़ने की कोशिश करी, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, और ये मूवमेंट था अप्रॉक्स 15 से 20% का मूवमेंट, अप मूवमेंट आपको मिलता है यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद देखिए यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा, फिर नीचे आ गया, फिर तोड़ने की कोशिश करी, और यहाँ पर देखिए जब तोड़ा था इसको, देखिए कितना अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिला था, राइट। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा करके आप एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट आप अपना बना सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा लगाए और टारगेट अपना बड़ा लगाए, और ज़रूर आपको हेल्प करेगा एक अच्छा मूवमेंट आपको बहुत जल्द देने में, और आप अच्छी ट्रेडिंग इस पर कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई इंडिकेटर का सहायता लेना चाहते हैं तो वो सहायता ले सकते हैं, साथ में कुछ अनदर कुछ एक्सपेरिमेंट अलग से कुछ तड़का डालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी टाइट रेंज बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देती है, आप देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट प्राइस एक्शन पे किस तरीके से आ रहा है, और ये जो प्राइस एक्शन वाली जो रेंज है ये बहुत कमाल की है दोस्तों। तो बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, और जल्दी मिलता हूँ दोस्तों। तो खुश रहिए, अच्छे से ट्रेड करिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।